सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राहत देने की मांग की है। सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेमेंट इश्यू अब कोषाध्यक्ष द्वारा निवारण किया जाता है, लेकिन कई दफ्तर में कर्मचारियों का डाटा भी RBI नहीं पहुंचा है, जिसके चलते उनकी पेंशन भी नहीं मिल पा रही। साथ ही उन्हें कहा कि मेडिकल का भुगतान भी तय समय पर नहीं हो रहा, 20 करोड़ के भुगतान अभी बाकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री राहत पैकेज देकर सभी कर्मचारियों को भुगतान करने की मांग की है। वहीं दीप दर्शन सोसाइटी में रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पट्टे भी नहीं बन पा रहे, ऐसे में प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाकर सभी को राहत देने की मांग की गई है। रिटायर कर्मचारियों को तमाम जो प्रकरण पेंशन हो, एरियर वगैरह सारा काम अब कोषाधिकारी करेगा। इस दरमियान के अलावा बैंक ने हमारे खाते में भेज दिए कोषा कार्यालय में। इस दरमियान हमारे जो नंबर थे, GPO नंबर है, अकाउंट नंबर, वो गलत हो गए, उससे क्या हमारे कई कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल पाने से। हमारा कलेक्टर साहब से निवेदन था जो प्रकरण गलत है उन प्रकरण ठीक करने के लिए तत्काल हमारी फाइलें है जो RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजे ताकि हमारे लोगों को इसका फायदा मिल सके। इसके साथ ही हमारे कर्मचारियों के 18-20 करोड़ के बिल ट्रेजरी पेंडिंग पड़े बजट की वजह से, इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर अनुरोध किया कि हमारे लिए विशेष बजट आवंटित किया जाए ताकि हमारे लोगों को मेडिकल बिलों का भुगतान समय पर हो सके। इसके साथ ही हमारे सोबनपुर रोड में दीप दर्शन कॉलोनी है, वहाँ पर लोगों ने 15-20 साल से अपने नियमन के लिए आवेदन कर रखा है ADI में, किंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ADI की उदासीनता वहाँ के अधिकारियों के लापरवाही से आज 20 साल तक हमारे जो पट्टे नहीं मिल रहे, निवन नहीं हो रहा, जबकि राज्य सरकार ने इस संबंध में समय पर आदेश जारी करके निवन जो स्वतंत्रता प्रदान करिए ताकि लोगों को अधिक पट्टे मिल सके, लेकिन उदासीनता लापरवाही से हमें पट्टे नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना काल के दौरान ये कैंप प्रभावित हुआ, इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर निवेदन किया है कि वो इस शिविर को आगामी 30 जून तक उस अभियान को बढ़ाएं ताकि शेष है लोगों को सभी को इसका लाभ मिल सके। मैं करण सिंह, अध्यक्ष सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समिति अध्यक्ष।